Subscribe to the channel and press the bell icon to never miss an update from Patna Shots. Hi guys, welcome back to the channel. मैं हूँ सोनम और प्रिया और हम होप करते हैं कि आप लोग सब अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से समझ में आ गया होगा, हम लोग आज एक 3 इंग्रेडिएंट केक बेक करेंगे जिसमें कि ओवन की जरूरत नहीं है और ना ही एग्स की जरूरत है। ये रेसिपी मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताई थी, मैंने इसको ट्राई किया और द केक केम आउट रियली नाइस, तो इसलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर इट विद यू ऑल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज है जो कि प्रिया और हम आपसे कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। This is a very tough time for everyone. The best that we can do is not judge each other. Spread positivity as much as possible. Extend help to other people as much as possible. तो हम लोग किचन में आ गए हैं और हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें केक बनाने के लिए चाहिए होंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा ओरियो का पैकेट। इस रेसिपी में प्रेफरेबली आपको क्रीम का बिस्किट यूज़ करना बेहतर होगा, आगे आपको पता चलेगा वो क्यों। तो मैंने लिया है 4 ओरियो का पैकेट, पर पैकेट 4 पीसेज हैं, ये 10 रुपये का एक पैक आता है, सो मेरे पास 16 पीसेज हैं ओरियो के। सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो है वो होगा दूध, ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है। एंड थर्ड इन्ग्रीडियंट है हमारा बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि ओरियो का बिस्किट लेना है, उसको तोड़ना है और ये जो क्रीम वाला पार्ट है उसको हम लोग चम्मच या नाइफ यूज करके उसको एक अलग कटोरे में कर लेंगे और ये जो खाली बिस्किट बचेगा उसको हम लोग अलग रखेंगे। तो ये सेम प्रोसेस आपको सारे बिस्किट के साथ करना है। तो फाइनली ये बिस्किट और क्रीम अलग हो चुका है। ये क्रीम जो है इसको हम लोग फेटेंगे अच्छे से और ये जो बिस्किट है अब ये जाएगा मिक्सर में और ये अच्छे से ग्राइंड होगा, बिल्कुल पाउडर वाली कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। और ये पूरा शूट करने में मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे हेल्प करेंगी बिकॉज आई हैव टू हैंडल द कैमरा। सो चलिए बनाते हैं फाइनली केक। अब इस बिस्किट के पाउडर में आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दीजिए। बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध लेकर हम लोग इस बैटर को गाढ़ा बनाना शुरू करेंगे। ये इसका बैटर बन के रेडी हो गया है। ये बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, लम्प्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से विस्क करिएगा। और दूध जो है वो एक बार में पूरा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके इसको गाढ़ा करते करते और इस कंसिस्टेंसी में ले आइएगा। अब हमने बिस्किट का जो क्रीम अलग रखा था उसको मैश करना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा ठंडा दूध ऐड करके इसको आप एक पेस्ट जैसा फॉर्म कर लीजिए। अब इस पेस्ट को हम लोग फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देंगे। पेटते-पेटते आपको ऐसा बना देना है क्रीम के जैसा। हमने एक नॉनस्टिक तवा यूज किया है इसको बनाने के लिए। इसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लीजिए बैटर डालने से पहले। अब हम लोग केक का बैटर इस नॉनस्टिक तवे में डाल देंगे और इसको ढक कर हम लोग 15 मिनट तक कुक करेंगे। 15 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन हटाकर टूथपिक लेकर इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ चिपक नहीं रहा है तो दैट मीन्स द केक इज रेडी। फाइनली 15 मिनट बाद ये ऐसा बन के निकलेगा फ्राइंग पैन से। आपको देख के लग रहा होगा भी ये ऑमलेट जैसा दिख रहा है, बट ये ऐसा नहीं है। हम लोग ने जो क्रीम फेटा था उससे हम लोग इसका केक क्रिएट करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये ऑलमोस्ट 15 मिनट से ज़्यादा आप इसको मत रखिएगा और एकदम लो हीट पे ही पकाइएगा, अदरवाइज ये नीचे से सटना शुरू हो जाएगा। मेक श्योर कि आपका जो भी बर्तन है, चाहे वो तवा हो या फिर कोई भी कटोरा, उसमें तेल अच्छे से लगा हुआ हो सो दैट ये नीचे से चिपके रहे। अब उस क्रीम को फ्रिज से निकाल कर वापस से थोड़ा रूम टेम्परेचर पर फेंट लीजिए एक बार। और केक के जो साइड्स हैं उसको अब हम लोग कट कर रहे हैं और उसको एक रेक्टेंगल फॉर्म दे रहे हैं। अब इसकी पहली लेयर पे हम लोग उस क्रीम को स्प्रेड करेंगे और केक का दूसरा लेयर उसके ऊपर रखकर उसको अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे।
और हमारा केक बनकर तैयार है। अब इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। I really hope कि आपको ये रेसिपी पसंद आई। अगर आप भी घर पे ये केक बेक करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो ओरियो बिस्किट का यूज़ किया, बट यू कैन जस्ट यूज़ एनी काइंड ऑफ बिस्किट यू वांट। आप मारी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कुकी जो आपके घर पे हो वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा कि अगर घर पे बेकिंग पाउडर नहीं था तो लोगों ने इनो पाउडर यूज़ किया था। सो इफ़ यू यूज़ दैट देन ऑल्सो लेट मी नो कि वो कैसा वर्कआउट किया। So on a very positive and sweet note, I'll end this video here. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट इफ यू वांट टू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।